है, ज्यादा नहीं आता थोड़ी है। थोड़ी आती है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो आज आप लोगों को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ऐड करने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि आप लोगों को मैं क्लियर कर पाऊँ कि आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या आपने फेसेस जो भी चीजें कर रहे हैं। सबसे पहले ना आपको मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग रिलेट करेंगे शायद मेरे साथ, क्योंकि आप तीनों पंजाब से है ना। मैं भी पंजाब से हूँ, बेसिकली मैं श्री अनंतपुर साहिब से हूँ, आपने सुना ही होगा उसके बारे में। मैं अनंतपुर साहिब से हूँ और वहां पे मेरा मेरा पिंड है उठे, ठीक है। और मैंने बीएससी करी है, ग्रेजुएशन करी है मैंने। बीएससी करने के बाद जो एक हर बंदे का ना, जैसे आप लोगों की भी एक ड्रीम लिमिट होती है हमारी, हम सोचते हैं कि यार कुछ करना है। फिर मैंने करी आईलेट्स, पहले मैंने सीडीएस की प्रेपरेशन करी 8 से 10 महीने, मैंने 2 बार एग्जाम दिया, कुछ हुआ नहीं उसके अंदर। फिर आपको पता हम सारे पंजाबी आईलेट्स करते हैं ना, तो मैंने भी आईलेट्स की, आईलेट्स करके बैंड स्कोर भी करे। जब मैं वो कोर्सेस कर रही थी ना, तो उस टाइम के अंदर ये बिजनेस मुझे मिला कुलवीर सर के थ्रू। आप लोगों को ये बिजनेस शायद मेरे प्रोफाइल के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू मिला होएगा, मुझे कुलवीर सर के थ्रू मिला। और कुलवीर सर मेरे कॉलेज मेट थे, मतलब उनको जानती थी पहले से थोड़ा बहुत, पर मैंने जब उनकी ग्रोथ देखी तो मुझे लगा कि यार कोई ना कोई काम ठीक होएगा अगर पंजाब यहाँ पे लोग कर रहे हैं। एक वो स्टेट वाला फैक्टर आ गया। तो उसके बाद मैंने बिजनेस देखा, ट्रेनिंग लगाई जैसे आप लोग लगा रहे हैं। ट्रेनिंग लगाने के बाद 5-7 दिन मुझे ना इंटरेस्ट जरूर आया, पर मेरे डाउट्स बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी। फिर दूसरी बात, मेरा कोई सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं था, मुझे ना मुझे कम्युनिकेट करने में बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब जैसे अभी तो मैं आपके सामने बड़ी आराम से बोल पा रही हूँ, पर उस टाइम के अंदर मैं बड़ी डरती थी किससे बात करने के लिए। तो ये मैं सोचती थी कि अगर ये चीजें मेरे अंदर है ही नहीं, तो मैं करूंगी कहाँ से बिजनेस। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज सीखी कि अगर मैं प्रॉपर तरीके से काम करूंगी, सीखूंगी, तो मैं सारा कुछ कर लूंगी। स्टार्ट किया, सबसे पहले फैमिली से डिस्कस करा, घर वालों ने इतना ज्यादा नेगेटिव करा, क्योंकि बड़ा रूरल एरिया है हमारा जहाँ पे मैं रहती हूँ, और वहां पे इतनी एजुकेशन इन चीजों का पता नहीं होता। तो उस टाइम घर वालों ने बोला कि ऐसे काम नहीं चलते, रहने दे इसको करने को। फिर उसके बाद चलो थोड़ा बहुत अगेंस्ट चलेगी, मैं करना स्टार्ट कर दिया। करते 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 इस टाइम मुझे बिजनेस में 4 इयर्स हो चुके हैं, 4 साल। मैंने 20 साल की एज में बिजनेस शुरू करा था, आज मैं 24 साल की एज में इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर हूँ। और जो भी हमारे जिंदगी में ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, आज मैं सारे पूरे कर चुकी हूँ। आपने मेरा प्रोफाइल देख लिया, मेरी ट्रेनिंग्स देख ली, मैंने क्या कुछ अचीव करा, आपने सब कुछ देख लिया, है ना। अब मुझे ये एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि मैंने क्या कुछ अचीव करा, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, ठीक है। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे आपका विश्वास होना बड़ा जरूरी है अपने आप के ऊपर। अगर आपको अपने आप पे बिलीव है, अगर तुम अपने आप पे बिलीव हैगा, है ना, ताई तुसी कोई भी चीज कर सकते हो। अगर तुम अपने आप पे कोई बिलीव नहीं ना, अगर तुसी, क्योंकि बहुत लोग पंजाब च बिजनेस देखते हैं, उन्हें लगता है बिजनेस देख के भी यार इतने काम नहीं चलते होंगे। अगर तुसी अपने आप पे बिलीव करोगे, पहली गल तुहानू विश्वास होना बड़ा जरूरी है अगर तुसी बिजनेस करना। दूजी चीज, थोड़ी मेहनत होनी बड़ी जरूरी है। अगर तुसी मेहनती हो ताई तुसी वो चीज कर सकते हो। मेहनत तो बड़ी मैटर करती है। इतने लोग अब मेरी सक्सेस देखते हैं, मेरा प्रोफाइल देख के बड़े हजारा लोग इंस्पायर होंगे अज, तो कारण क्या, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत करनी रेडी हो, ताई तुम ज्वाइन करो, अदरवाइज ना करो, ठीक है। तो मेहनत तो बड़ी जरूरी है। हम मैं तुम्हें दसागी भी तुम कि स्टार्ट करना, ठीक है। सब तो पहले मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तुम इन नोट भी कर सकते हो जो मैं तुम्हें चीज दसन जा रही हूँ। तुम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबन? आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मैं जो फिक्स प्रेफर करते हैं, जिनको होता है कि नहीं 10,000 ही आए बट फिक्स आए, हम फिक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। 10% लोग होते हैं जो कमीशन बेस काम करते हैं, 90% लोग सिर्फ 10% पैसा कमाते हैं इंडिया में, 10% 90% कमाते हैं, क्योंकि कमीशन है उसमें ज्यादा ग्रोथ, कमीशन ज्यादा ग्रोथ है। क्योंकि जो भी लोग कमीशन बेस काम करते हैं वो हमेशा ग्रो करते हैं, फिक्स वाले बहुत लिमिटेड ग्रो करते हैं। यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है दैट इज कमीशन बेस। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग प्लान, कमीशन जो भी है। तो आपकी यहाँ पे आईडी बनेगी, आईडी बनने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ नोवस कस्टमर बनते हैं, नोवस कस्टमर बनते हैं। जब आप अपना यहाँ पे 2 CC क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, 25 CC क्वालिफाई करके अपना सुपरवाइजर डन करते हैं, 75 CC करके आप असिस्टेंट मैनेजर,
और 120 सीसी करके आप अपना मैनेजर डन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं ये होते हैं हमारे बेसिक लेवल तक, है ना, बाकी आगे भी है लेवल, बट यहाँ पे आपको जानना इतना ही बहुत जरूरी है। कई लोग गलती करते हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं आईडी बना के और वो सोचते हैं मैनेजर कैसे बनेंगे, मतलब पहली सीढ़ी पे खड़के ये सोचते हैं 15वीं सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लगेगा इन सारे लेवल्स को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल है 2CC लेवल है, ये आपने सेल्फ से कंप्लीट करना है सुपरवाइजर लेवल टीम के साथ, AM भी टीम के साथ और मैनेजर भी टीम के साथ ही, बाकी सारे लेवल आपने टीम के साथ क्वालिफाई करने हैं। यहाँ पे जो AS लेवल है ये आपको जो इनकम है यहाँ पे आप 30-35 हज़ार कमा सकते हैं, सुपरवाइजर पे 50-55 हज़ार कमा सकते हैं, यहाँ पे 60-70 के, यहाँ पे 80 के प्लस, नो लिमिट, राइट। इतना आप ऑन एन एवरेज यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। बट यहाँ पे आता है सबसे पहले सीसी होते क्या है, व्हाट इज अ सीसी। जो सीसी का मतलब है हमारा जो बिजनेस है ये 1+60 कंट्रीज में चल रहा है, हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है, जैसे कनाडा की डॉलर है, US की पाउंड है, इंडिया के रुपीज है। तो कंपनी ने क्या करा, इनको सबको साइड कर दिया, अपनी एक न्यू करेंसी जनरेट कर दी, दैट इज कॉल्ड सीसी। सीसी का फुल फॉर्म है कॉमन करेंसी, सीसी का फुल फॉर्म है कॉमन करेंसी। ये सीसी कलेक्ट कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पे प्रोडक्ट्स, हमारे पास प्रोडक्ट्स है एलोवेरा जेल है उसको 102 पॉइंट दिए हैं, हनी है उसको 105 पॉइंट दिए हैं, हमारा कॉलगेट है उसको 34 पॉइंट दिए हैं। तो हर प्रोडक्ट को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। जैसे ही हमारा 1000 पॉइंट कंप्लीट होता है हमारी होती है 1 CC, 2000 पॉइंट कंप्लीट होते हैं हमारी होती है 2 CC, ठीक है। तो अभी आता है कि 2 CC करनी कैसे है। अभी आप लोग बड़े लकी हैं कि आप इस मंथ के अंदर आए हैं, न्यू ईयर पे आए हैं। हमारा जो 2 CC है, जो मैंने 4 साल पहले 2 CC करा था, क्योंकि कोई भी काम कभी भी फ्री के अंदर नहीं होता। पहली बात तो मैंने 4 साल पहले 2 CC करा था 33K की परचेजिंग करके, जिसमें मुझे प्रोडक्ट्स मिले थे बेसिक जो मैंने अपने घर पे यूज करे। और अभी जो 2 CC हो रही है वो हो रही है अप्रोक्स 38-40K के अंदर, इतने में हो रही है 2 CC। बट यू गाइज आर वेरी लकी कि आप न्यू ईयर के ऊपर आए हैं और न्यू ईयर पे हमारे कुछ ऑफर चल रहे हैं। जितने भी लोग 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक अपना 2 CC क्वालिफाई करेंगे, उन लोगों को वही जो 2 CC लेवल है वो अप्रोक्स पड़ रहा है, एक उसको मिल रहा है कॉम्बो ऑफर। क्या मिल रहा है उनको, एक कॉम्बो ऑफर मिल रहा है। आई थिंक आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा, कॉम्बो ऑफर आपको बताया होगा अगर इन्होंने, पर मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी कि कॉम्बो ऑफर होता क्या है। अब ध्यान से देखना, एक जनवरी से लेके 10 जनवरी तक जितने भी लोग अपना 2 CC कंप्लीट करेंगे उनको ना एक कॉम्बो ऑफर मिल रहा है। इस कॉम्बो ऑफर के अंदर लगभग कितने प्रोडक्ट्स होंगे, लगभग 20 से 25 प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे जो आपको इस ऑफर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और जो ये कॉम्बो ऑफर है इस टाइम ये पड़ रहा है 29,706 रुपए का। अभी अगर आप कॉम्बो ऑफर के अंदर आप अपना लेवल डन करते हैं तो आपको पड़ रहा है ये 29,706 रुपए का कॉम्बो पड़ रहा है, और इसमें आपको 20-25 प्रोडक्ट मिलेंगे जो आप अपने घर पे यूज कर पाएंगे। इसमें जो भी होएगा जैसे आपका स्क्रब, फेस वॉश, ये सारा सामान इसके अंदर होएगा। तो आप लकी हैं कि आप न्यू ईयर के ऊपर आए हैं, क्योंकि ऑफर हमारे पास अभी वैलिड है जो हमें अपडेशन आया है, ठीक है। 10 तारीख तक आपके पास टाइम है अपना 2 CC क्वालिफाई करने के लिए। और रही बात ये कि हमारे पास बजट नहीं है, देखो पता कोई भी चीज आप लाइफ के अंदर करते हैं, आप किसी भी चीज को करते हैं तो प्रॉब्लम आपको आती है। प्रॉब्लम्स हमें लाइफ के अंदर तब आती हैं जब हम कुछ करना शुरू करते हैं, घर पे वेले फ्री बैठे बिठाए कभी प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने करा था इसको ऑफलाइन के अंदर ज्वाइन, आज हो चुका टोटली ऑनलाइन, घर पे बैठ के आज मैं अपने रूम पे बैठ के काम कर पा रही हूँ, आप भी ऐसे ही करेंगे। पर मैंने ऑफलाइन में तब करा था लॉकडाउन से पहले, जब किसी के पास जाके हम ये प्लान समझाते थे सारा, उस टाइम बड़ा टफ था। पर आपको प्रॉब्लम ही तब आई है, मेरे को प्रॉब्लम बिजनेस में तब आई जब मैंने कुछ करना शुरू करा, क्योंकि जब आप सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी आती है उसके अंदर, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपना माइंड बड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको दिक्कतें परेशानियां सब आएगा। अगर नहीं परेशानियां लेंगे, या तो 4 साल मेहनत कर लो अपनी लाइफ में, या 40 साल कर लो, ये बिजनेस आपको 4 साल करवाएगा। ये कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो पूरी लाइफ तो करनी पड़ेगी। चाहे आप यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, डजंट मैटर, आपको आज के टाइम में इंडिपेंडेंट होना बड़ा आपके लिए जरूरी चीज है। अगर आप अपने पैरों पे खड़े होंगे आप कुछ भी कर लो, राइट। और हाँ एक चीज मैं आपको और दिखाती हूँ, एक सेकेंड।
आप लोगों को शायद आज लग रहा होगा मुझे देख के, है ना, कि मैम तो बस समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, पता नहीं शायद इसमें ऐसा कुछ होगा भी या नहीं, है ना। मैं ना आपको एक दो चीजें दिखाऊंगी यहाँ पे। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था ना, जब मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग की फोटो है, मतलब जब मैं बिजनेस में आई थी, ज्वाइनिंग करी थी, तो ये मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग की फोटो है। पहली बार मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। आप सोच के देखो, इस पर्सनैलिटी के अंदर आपको लग रहा है देखे कि मेरे पास उस टाइम 33,000 का अमाउंट होगा और मैनेजर से अपना 2CC कर दिया होगा। मेरे को उधर उस टाइम कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम के मैं अपना लेवल कर सकूं, पर विद इन 4-5 days मैंने अपना लेवल डन करा अरेंजमेंट करके। ये उस दिन का फोटो आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, ये फॉर्म मैंने उस टाइम फिल करा था जब मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद बिजनेस के अंदर मैंने अपने पंजाब में अलग अलग सिटीज में ट्रेवल करा बिजनेस करने के लिए, मैं ऑफिस भी गई। ये उस टाइम की सारी फोटोज है जब ASP असिस्टेंट सुपरवाइजर थी, 2CC हुआ था। कपड़े भी आप ऑलमोस्ट एक ही देख रहे हैं सारी फोटोज के अंदर, क्योंकि उस टाइम के अंदर इतने हमारे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मेरे फादर फार्मर है, मैं एक बड़ी नॉर्मल सी फैमिली से हूँ। हमारे घर की मंथली इनकम ही 15,000-14,000 रुपए थी, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से हम लोग बड़ा मुश्किल से सर्वाइव कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे मेरा सुपरवाइजर क्वालिफाई हुआ, जिसपे मेरा 63,000 का पे आउट आया। उसके बाद मैनेजर क्वालिफाई हुआ, जो मेरा ड्रीम लेवल था, जिसके लिए हम सारे यहाँ पे आते हैं। मैनेजर बनके बनते ही जो मेरी इनकम थी, दैट इज अप्रोक्स वो 2 लाख को क्रॉस हो गई थी। और फिर हर एक बंदे का, हर एक यंगस्टर का ड्रीम है कि वो अपनी पर्सनल कार्रवाई करे। 22 साल की एज में मैंने अपनी 18-20 लाख रुपए की वरना टॉप मॉडल कार्रवाई करी। पता, हम लोग ना, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, हम सारे एक चीज चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, अपने माँ बाप का सीना चौड़ा करना। हम सारे चाहते हैं कि उनके लिए कुछ करें। तो मेरे लिए बेस्ट फीलिंग थी कि मैं इतनी छोटी एज में अपनी फैमिली के लिए ये छोटा सा एक जो गिफ्ट है वो उनको दे पाई। मेरे फादर ने, मैं शायद आपका भी सेम ही होएगा, जितनी भी सेविंग थी वो मेरी ग्रेजुएशन पे लगा दी थी। तो मुझे हमेशा से था, क्योंकि हमारे पास कोई कार नहीं थी, पहले बाइक थी बस, तो मुझे हमेशा से था कि मैं उनके लिए कुछ करूं, मतलब उनके लिए करना था यहाँ पे। इसीलिए मैं आई बिजनेस में, मेहनत करी। मेरे ना मम्मी बड़े खिलाफ थे बिजनेस के, वो हमेशा से एक ही बात बोलते थे, मनप्रीत तेरा कुछ नहीं बनेगा इस काम के अंदर। वो हमेशा से नेगेटिव थे इस चीज को लेके, बट जैसे जैसे मेरी इनकम आई, मैंने जिस दिन कार ली वो उस दिन भी डाउट में ही थे, पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे होता गया उनको बिलीव हो रहा था। लोगों को ये भी लगता है, कई लोगों को देख के जो बिजनेस देखते हैं, न्यू आते हैं, उनको लगता है मैम का शायद बैकग्राउंड अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं था। ये मेरा घर है जहां से मैंने शुरू किया था। ये पिछले साल की फोटो है, अभी 25 जनवरी को मेरे को कार लिए, 2 साल हो जाएंगे। और बाकी ना, ये मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग की फोटो है। जिन लोगों को ये भी लग रहा है कि चलो 2CC कर लेंगे, उसके बाद अगर लोग ना आए, कनेक्ट ना हुए तो क्या करेंगे, ये उस टाइम का फोटो है जब मैंने बिजनेस की फर्स्ट ज्वाइनिंग करवाई थी। पहली ज्वाइनिंग की फोटो है ये आपके सामने, मतलब ऐसे मैं सूट पहन के बिजनेस में आई और ऐसे मैंने ज्वाइनिंग्स करवाई। कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करूंगी, बट धीरे धीरे सारे ड्रीम पूरे हुए। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर से मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ। पिछले साल दिल्ली में हमारा एक इवेंट हुआ जहाँ पे मैं ग्रेग सर और उनके वाइफ से पर्सनली मिली। ये अमेरिका से आए थे, इंडिया के अंदर कुछ ही लोग इस मीटअप के लिए क्वालिफायर थे, जिसमें एक मैं भी थी। तो मेरे लिए एक बड़ी बेस्ट फीलिंग थी कि मैं इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के साथ पर्सनली मिल चुकी हूँ, राइट। तो ये हमारा उस टाइम का फोटो था आपके सामने। बाकी इस साल के अंदर मैंने 3 इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करे। फर्स्ट मेरा ट्रिप था साउथ अफ्रीका का, पिछला साल इस ट्रिप के अंदर मैं अपने रियल ब्रदर को साथ में लेके गई थी, जो कि 1+1 होता है, हम साथ में लेके जा सकते हैं, ये मेरा ब्रदर है। और उसके बाद सेकेंड ट्रिप था मेरा बाली इंडोनेशिया का, जो मैंने पिछले साल अप्रैल में करा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने लोग इस बिजनेस को करते हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग ही कर रहे हैं, बस हम लोग इंडिया में पंजाब में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में लोग फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं। कोई जापान से है, ये लोग वहां पे मिले जर्मनी से थे, ये अमेरिका से थे मैम, ये जापान से थे, कितने लोग हैं जो अलग अलग देशों से कर रहे हैं। ये भी सर किसी कंट्री से थे जिसका मुझे नाम तक भूल गया। और ऐसी ऐसी लोकेशंस में मैंने वहां पे ट्रेवल करा जहां पे मैंने कभी फोटो वीडियोस देखी थी। और थर्ड मेरा भी इंटरनेशनल ट्रिप जो होके हटा है लास्ट 2 महीने पहले ही, ये मैं अभी बताया, थाईलैंड गई थी।
यहाँ पे भी मुझे काफी फॉरनर दूसरे देशों के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने का मौका मिला, कितने लोगों से वहां पे मैं मिली। आप लोकेशन देखो, यहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोगों ने मूवीज के अंदर भी ऐसी लोकेशन नहीं देखी, जो हमने इतने बड़े लग्जरी होटल के अंदर कंपनी ने हमें 5 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप दिया, मेरे ख्याल से इतनी छोटी एज के अंदर। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हमारी सारी लड़ाई यहाँ पे बस घूमने फिरने के लिए है, पैसा कमाने के लिए, कार लेने के लिए है, पर जो फ्रीडम हमें यहाँ पे देता है ना बिजनेस, वो एक अलग लेवल का है। कितनी लग्जरी प्रॉपर्टीज के अंदर हमें ठहरने का मौका मिला, वहां पे भी कितने सारे लोगों के साथ मुझे मिली। मैं ना आपको एक चीज दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना मेरे साथ एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की खड़ी है, इसका नाम गुनिका है, शी इज फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, और इसने मेरे साथ 1.5 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया और 20 साल की एज में पहला इंटरनेशनल ट्रिप करके आई है मेरे साथ। मतलब ये, अगर मैं बात करूं, बीकॉम सेकंड की स्टूडेंट थी जब ये मेरे साथ आई थी, और अभी ये अपना फाइनल ईयर करके इस टाइम ये मेरे डायरेक्ट के अंदर अब मैनेजर क्वालिफाई कर चुकी है और अपना फर्स्ट ट्रिप भी कर चुकी है, राइट। बाकी आप सारा कुछ ये देख ही चुके हैं। लास्ट मंथ ना मैंने अपने फादर को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, वो था एक ट्रैक्टर। आपको पता है हम लोग फार्मर फैमिली से हैं और हमारे लिए ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, तो मतलब ना मेरे शुरू तो एक सपना सीगा भी मैं अपने माँ बाप प्राउड फील करावा। मेरे लिए वो चीज सी कि मैं पढ़न च भी काफी वधिया सी, मैं तुम्हें सारी चीजा ता दस रही हूँ ताकि तुसी समझ पाओ भी ये बिजनेस थोनू की कुछ दे सकता। अपना कई बार बड़े छोटे जे विजन सोचते हैं भी यार इदा कर लांगे बिजनेस, तो तुसी अगर मेहनती हो ना, अगर तुसी परमात्मा दे बिलीव रख के विश्वास रख के इतने काम करोगे, लोगों दी नेगेटिविटीज नू गल्ला नू साइड करके काम करोगे ना, तुसी सारा कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है। मैंने तुम्हें छोटा जा, मैंने थोड़ी देर पहला ना एक मैसेज आया, मैं तुम दिखाना चाहवागी लाइव, जिदा मैं तुम्हें फोटो दिखाया ना गुनिका मैम का, इन्हों का ना कल अपनी ना जिदा इनकम आ गई, एक तो लैके 30 तरीक तक अपनी इनकम आती है, पर कल अपनी ना जी इनकम से चेक है, सारे अपनी अपनी आईडीज भी शो हो गए, मैं मेरा हो गया, सबन हो गया। तो गुनिका मैम का ना मैंने बड़ी खुशी हुई, वो 20 साल की एज है, तो उन्होंने आया 97,000 का पेउट, मतलब अप्रोक्स 1 लाख का चेक आया। तो उन्होंने मैंने ये मैसेज किया, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाना चाहवागी भी किदा आप लोगों की इतनी लाइफ न चेंज करते हैं। वो नंबर है गुनिका का ना, उन्हें मैंने मैसेज किया इतने, पढ़ लिया, ये लिखा हुआ था कि मैम भी आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी, शायद मैं नेगेटिव होकर बैठ जाती अगर आप मुझे पॉजिटिव ना करते। उसने बोला मैं अपना 1000% दूंगी, पर मैं इसे भी बेटर करूंगी जिंदगी के अंदर। 20 साल के एज में 1 लाख का अप्रोक्स इनकम आया, राइट। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं बस हम लोग लेके आते हैं बिजनेस में लेके हमने बस ऐसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। अगर आप इफ यू आर वर्किंग पर्सन, अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, तो हम ये चीजें भी करवाते हैं, हम एंड मोमेंट तक बंदे का साथ देते हैं अगर बंदा मेहनती है तो। ये नहीं मैं बोलूंगी अगर आप आओगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा कल को, अगर आप मेहनती है बस तो, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पे ना अगर आप फेलियर है ना लाइफ के अंदर, तो आपको कोई बंदा ये बोलने नहीं आएगा कि आप फेल क्यों होगे, मतलब थोड़ा कोई पूछण नहीं आएगा ये चीज भी, तुसी फेल क्यों होगे। अगर तुसी सक्सेसफुल हो तो थोड़ा हर बंदा पूछण आएगा तुसी सक्सेसफुल किदा हुए, डजंट मैटर भी थोड़ा अज स्टेटस की है कल की होएगा वो मैटर करता है। मेरे पता हर बंदे की ना अपनी अपनी वाई होंगी है किसी भी काम नु करन दी, थोड़ी शायद होर होएगी, मेरी वाई सिर्फ इको सी, पहली गल तो मैं एवरेज कुड़ियों की तरह विह करा के अपनी जिंदगी नहीं कटना सी, बस वो मेरी सब तो वड्डी वाई सी, मैं अपने पैरों से खड़े होना है ना, ये मेरी वाई सी। दूजी सी मैं अपने पेरेंट्स लिए कुछ करना सी, क्योंकि मेरे फादर ने शुरू तो खेतीबाड़ी की है, छोटी जी जॉब की है 15,000 रुपए के नाल, तो मैं वो चीजा देखिया हुई हंडाइया हुई भी किदा छोटी छोटी चीजा ने स्ट्रगल होया, वो चीजा चो बहर कड़ना सी उन्होंने, बस उन्हें जींद जी, क्योंकि उन्होंने अपने तो पैसे नहीं लैने है, पर उन्होंने जींद जी उनका बच्चा सक्सैसफुल हो गया, उन्होंने सब तो वड्डी प्राउड फीलिंग होंगी है, राइट। अगर वो चीजें तुसी कर दिया उस चीज लिए तुसी आ रहे हो, तो तुसी इतने सक्सेसफुल हो सकते हो। लोग नेगेटिविटी भी देंगे, घर दे भी शायद देंगे, प्रॉब्लम्स चैलेंज सब कुछ आएगा, पर अगर तुसी रेडी हो देन यू कैन जॉइन अस, ठीक है जी। तो जो भी थोड़ी हुण अपलाइन है जिहदे नाल भी तुसी कनेक्ट हो, उन्होंने अपनी आई डी बनाओ, 10 जनवरी तक अपना 2 CC क्वालीफाई करो, 2 CC करने तो बाद 9 बजे डेली रात को ट्रेनिंग चलेगी, जिदे विच असीं तुहानूं सिखावांगे भी तुसीं कॉल किदां करनी है किसी नूं, किदां तुहानूं कॉन्टैक्ट लिस्ट भी असीं प्रोवाइड करांगे, जिहड़े तुसीं कॉन्टैक्ट ते कॉल करनी ना टीम बनाउण दे लई, असीं तुहानूं लिस्ट प्रोवाइड करांगे, तां उहनां ते कॉल किदां करनी है, उहनां नूं हैंडल किदां करना, कॉन्फिडेंस किदां बिल्ड करना, किसी दे सामने किदां बोलना, तुहानूं सारा कुछ असीं 9 बजे वाली ट्रेनिंग दसावांगे, जिच्चों अप्रोक्स
परसों रात मैं ट्रेनिंग की है ते परसों रात ट्रेनिंग दे विच अप्रोक्स 1,000 बंदा बैठा सी, 1,000 लोकी ओ सी जेड़े सिख रहे सी दोस्त सी करन तो बाद भी जेड़ा अपनी टीम चो इस टाइम काम कर रहा। तो इदा ही तुसी उहदा पार्ट बनना सीखना, सबर रख के मेहनत करने लई रेडी हो, अपने अपलाइन नूं कॉल करो, पुछो उहनां तों किद्दां होएगा, आईडी बनाओ अपनी, 2 CC कंप्लीट करो 10 जनवरी तों पहलां ते 9 बजे ट्रेनिंग जाओ और ट्राई करो इसी महीने दे विच अपना ज्यादा नहीं 20-25 हज़ार दा चैक बनाओ। बाकी तुसी कदे मेरे नाल कोई पर्सनली गल करनी है तो लग रहा मेरे नाल कॉल ते गल करनी है, तुसी कदे पर्सनली इंटरैक्ट करना तां अपलाइन तों नंबर लैके अपने जिहड़े तुहाडे सीनियर है उन तों मेरा नंबर लैके जां फिर उहनां दे थ्रू कॉन्फ्रेंस ते मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकदे। ठीक है जी, बाकी किसी ने